नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरी अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर ने अपने को इतना मर्जी पर छोड़ दिया परमात्मा की। कहते सब हैं कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा, लेकिन उसकी मर्जी पर खुद को छोड़ता कोई नहीं। संत कबीर ने खुद को उसकी मर्जी पर इतना छोड़ दिया। सुबह लोग भजन के लिए इकट्ठे हो जाते तो कबीर उनसे कहते कि ऐसे मत चले जाना, खाना लेकर जाना। अब पत्नी बच्चे परेशान थे, कहां से इतना इंतजाम करूं। उधारी बढ़ती जाती है, कर्ज में दबते जाते। रोज रात को कमाल कबीर जी का लड़का उनसे कहता कि अब बस हो गया, अब कल किसी से मत कहना। कबीर कहते जब तक वे कहलाता है परमात्मा, तब तक हम क्या करें। तुम्हारी सुने के उसकी सुने, जिस दिन वे बंद कर देगा कहने वाला कौन। हम अपनी तरफ से कुछ करते नहीं और तुम क्यों परेशान हो। जब वे इतना इंतजाम करता है ये भी करेगा, लेकिन आखिरी वक्त आ गया। एक दिन कमाल ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, क्या तुम चोरी करने लगे। उसने गुस्से में कहा था। कबीर साहब ने कहा, अरे पागल, ये तुझे पहले क्यों नहीं सूझा। कमाल सोचा कि कबीर समझे नहीं कि मतलब क्या है, तो दोबारा कहा, क्या समझे, मैं कह रहा हूं कि क्या हम चोरी करने लगे, कहां से लाए। कबीर साहब ने कहा, सभी उसका है, क्या चोरी क्या अचोरी, जो उसकी मर्जी, ये ख्याल पहले क्यों ना आया। कमाल भी अद्भुत लड़का था, उसने कहा, आज परीक्षा पूरी ही हो लेने दो। उसने कहा, फिर मैं जाता हूं चोरी पर, लेकिन साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। कबीर उठकर खड़े हो गए। समझना हमें कठिन हो जाए, क्योंकि हम सीधे आदमी को जानते ही नहीं। हमारा साधु कहता है चोरी पाप अचोरी पुण्य, हमारा साधु कहता है कि ना समझ तू खुद नरक में जा रहा है और मुझको भी ले जाना चाहता। लेकिन कबीर उठकर खड़े हो गए। ये सादगी बड़ी मधुर है, उनके जितना सादगी वाला साधु कहां मिले। जैसे कुछ भेद ना रहा, ना चोरी में ना अचोरी में, ना शुभ में ना अशुभ में, क्योंकि सब परमात्मा का है, तो कैसा भेद। भेद तो चालाक बुद्धि का होता है, सादगी में कैसा भेद। वे उठकर खड़े हो गए। कबीर को भीतर से समझना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में भी भेद है। तुम भी सोचोगे कि ये क्या मामला है, क्या कबीर चोरी के पक्ष में। कमाल भी झिझका जब कबीर उठकर खड़े हो गए। उसने सोचा कि ये भी मजाक ही थी, लेकिन कमाल आखिर कबीर साहब का ही लड़का था और बात को पूरा करना जरूरी था। गया एक मकान में सेंध लगाई, कबीर बाहर खड़े सेंध लगाकर। भीतर गया, एक बोरा गेहूं का घसीट कर लाया, किसी तरह बोरा तो बाहर निकल गया। जब वे खुद बाहर निकल रहा था तो घर के लोग जाग गए। जाग इसलिए गए कि कबीर जी ने जोर से उससे पूछा कि अरे पागल, घर के लोगों से पूछा कि नहीं पूछा। चोरी सो तो ठीक, लेकिन घर के लोगों को बताया या नहीं। थोड़ा शोर कर दे ताकि लोग जग जाएं कि चोरी हो गई। एक सीधा साधा आदमी जिसके लिए भेद गिर गए, ये आवाज सुनकर, बातचीत सुनकर घर के लोग जग गए। और जब कमाल निकल रहा था दीवार के छेद से, तो किसी ने उसके पैर पीछे से पकड़ लिए। तो कमाल ने कहा, अब क्या किया जाए, कम से कम इतना ही करो कि मेरी गर्दन काट कर ले जाओ, ताकि कम से कम बदनामी में तो ना हो। कबीर साहब ने कहा, यह भी खूब रहा, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक सजाया तुमने, वक्त पर तूने भी अच्छी सूझ दी। और कहानी है कि कबीर साहब गर्दन काटने के पहले कमाल से बोले, गर्दन तो काट ले जाता हूं, लेकिन बात छुपाए छुपेगी नहीं। उस मालिक को सब पता, परंतु तू कहता है तो काट ले जाता।
हमें लगेगा ये आदमी चोर भी है, हिंसक भी है, लेकिन कबीर साहब जानते हैं कि मरता तो कुछ भी नहीं, मरता कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा कोट खींचकर मैं अलग कर दूं तो मैं हिंसक नहीं, तो तुम्हारी गर्दन काटकर अलग करने से कैसे हिंसक हो जाऊंगा। अगर सच में ही शरीर वस्त्र है तो कबीर हिंसक नहीं। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि तू फिक्र मत कर, ना हन्यते हन्य माने शरीर, वे मरने से मरता नहीं, काटने से कटता नहीं, जलाने से जलता नहीं। कबीर वही तो कर रहे, उन्होंने काट लिया कमाल का सा, लेकिन उससे कहा कि तू कहता है तो काट लेता, बाकी बात छिपाए ना छिपेगी पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो देख रहा, उसको सब पता है मालिक को। फिर भी ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। घर के लोगों को शक तो हुआ शरीर को देखकर कि ये लगता है कमाल का, लेकिन बिना गर्दन के ही बड़ी अद्भुत कहानी। उन्होंने दूसरे दिन सुबह जब कबीर निकलते थे नदी की तरफ जाते थे, जाते गाते भजन कीर्तन करते ध्यान करने, और उनके 100-200 भक्त जाते थे, दरवाजे के सामने एक खंभे पर कमाल का शरीर लटका दिया कि शायद कबीर को भी अपने लड़के को देखकर चेहरे पर कोई फर्क आ जाए। और भक्तों को तो पता ही होगा, उनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देगा, लेकिन ये बात कुछ और ही हो गई। अब कबीर का जुलूस वहां पहुंचा, कबीर के लोग वहां पहुंचे, सभी भक्त वहां पहुंचे, तो कबीर साहब रुक गए और उन्होंने कहा देखो कमाल लटका है खंभे। रोज बेचारा सम्मिलित होता था, आज सम्मिलित नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कीर्तन तो उसके पास करें ही। कहानी है कि जब उन्होंने कीर्तन किया तो कमाल के हाथ, मुर्दा हाथ ताली देने लगे, मृत्यु हुई ही नहीं, फिर से जाग पड़ा। कोई मरता नहीं, मृत्यु असंभव है, मृत्यु तो तुम्हारी मान्यता है, तुमने माना है इसलिए तुम मरते, और तुमने जाना नहीं इसलिए तुम मरते। जीवन ऊर्जा सब तरफ व्याप्त है, और कबीर साहब ने कहा पागल पहले ही कहा था कि बात छिपाए ना छिपेगी, चोरी तो ठीक लेकिन उसको सब पता है, उस मालिक को सब पता है, अब उसने खोल दिया ना राज। इसलिए कबीर साहब अपने भक्तों से कहते हैं उसकी मर्जी से चलो, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी ना होगा। कुछ बनाए बनने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना कर दो कि जो तू बनाए वही मैं बनने को तैयार, जहां तू ले जाए वही मैं चलने को तैयार, जैसे मुझे तू अपनाए वही मैं बनने को तैयार। इतना विलीन हो जाना कि जैसी तेरी मर्जी, तेरे फैसले पे क्या करूं सवाल, कोई सवाल नहीं, यही मेरे इश्क की पहचान। तुम कहते हो परमात्मा को कैसे पाना, तुम कहते हो परमात्मा को कैसे अपना बनाना है, तो खुद उसके हो जाओ, पूर्ण तन रूप से उसके हो जाओ, उसको चाहने लगो, ऐसे चाहो कि जो तेरी मर्जी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।